हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद टेस्ट। आज हम बनाएंगे साबूदाने की खिली खिली खिचड़ी। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही कम समय में रेडी हो जाती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, आइए इसकी लिस्ट देख लेते हैं। ये मैंने एक बाउल साबूदाना लिया है। अब हम इसे धोएंगे। साबूदाने को बाउल में डालेंगे। पानी डाल देंगे। और सॉफ्ट हाथों से मसल मसल कर साबूदाने को धोएंगे ताकि साबूदाने पर चिपका हुआ सारा स्टार्च या गंदगी हमारी पानी में आ जाए। ये देखिए पानी कितना वाइट हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम साबूदाने में फिर से पानी डालकर इसे एक बार फिर धोएंगे। सॉफ्ट हाथों से मसल मसल कर साबूदाने को धो लें। सारा पानी हम निकाल देंगे। ये मैंने साबूदाने को दो बार अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें तीसरी बार फिर पानी डालेंगे। ये देखिए हमारा पानी बिल्कुल वाइट साफ आया है। अब हम 3 से 4 घंटे के लिए इसे ढक कर रख देंगे जिससे कि साबूदाना हमारा फूल जाए। 3 से 4 घंटे हो गए हैं। अब हम साबूदाने को चेक कर लेते हैं। ये देखिए साबूदाने ने सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है और मोतियों की तरह खिला खिला साबूदाना हमारा रेडी है। 1 कटोरी साबूदाने में 1 कटोरी ही पानी डालकर इसे ढक कर रखेंगे। ये देखिए साबूदाना हमारा गल भी गया है। अब हम इसे स्ट्रेनर में डाल देंगे जिससे कि अगर थोड़ा बहुत पानी साबूदाने में रह गया है तो वह भी निकल जाए। एक दो बार इसे फोक से हिला देंगे जिससे कि साबूदाना हमारा आपस में चिपकता नहीं है। अब हम इसे तड़का लगाएंगे। कढ़ाई में देसी घी डालेंगे। जैसे ही घी हमारा मेल्ट हो जाए हम इसमें मूंगफली डाल देंगे। आप व्रत में जो कुकिंग ऑयल यूज करते हैं वह डाल सकते हैं। ये देखिए मूंगफली हमारी रोस्ट हो गई है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। जैसे ही जीरा हमारा तड़कने लगे हम इसमें कद्दूकस की हुई अदरक डाल देंगे। आप अदरक को बारीक काट भी सकते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। कुछ सेकंड के लिए इन्हें भूनेंगे जिससे कि अदरक का कच्चापन चला जाए। गैस की फ्लेम को मीडियम रखें। अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। ये मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को काटा है। एक से 2 मिनट टमाटर को भूनेंगे। अब हम इसमें स्वादानुसार व्रत वाला नमक डाल देंगे जिससे कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर को हमें बहुत ज्यादा मैशी नहीं करना है, इन्हें केवल हल्का सा सॉफ्ट होने तक ही पकाना है।
ये देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें एक उबला हुआ आलू डाल देंगे। ये मैंने आलू को मीडियम साइज़ के टुकड़ों में काटा है, आप छोटे साइज़ के टुकड़ों में भी काट सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए आलू को भी टमाटर के साथ भुनने देंगे। आलू भी हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें अपना साबूदाना डालेंगे। काली मिर्च पाउडर डालेंगे। रोस्ट की हुई मूंगफली डाल देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नींबू का रस डाल देंगे। ये मैंने 1 नींबू का रस डाला है। अगर आप खट्टा मीठा टेस्ट चाहते हैं तो 1/2 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से इसे मिक्स करें। और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और 30 से 40 सेकंड के लिए इसे ढककर पकाएंगे। साबूदाना हमारा पक गया है। ये देखिए खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी हमारी रेडी है। आप भी इस स्टाइल से इस नवरात्रि व्रत पर इस नाश्ते को जरूर बनाएं। चाय के साथ ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी इस रेसिपी को बनाने के बाद हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। आप हमारी ये रेसिपीज़ भी ट्राई कर सकते हैं।